और तुमको कैसे अचानक लगा कि ये रणविजय नाम का धतूरा अचानक अमृत बन जाएगा? मन भी तो बदल सकता है ना। कतना डाकू लोग महात्मा बन गए, अब लोग भी तो उनके ऊपर भरोसा किए हैं। सही बात है शेखर, हम तो जलन ईर्षा द्वेष में अंधे ही हो गए थे ससुरे। ये समझे में ही नहीं आया कि अपने सगे भाई के साथ ये सब नीच गंदा कर्म कर रहे हैं। सही कहे तो हम तुमको मारने ही आए थे। कल जब तुम लोग होटल में हमको चकमा दे के चले गए थे, तब हम पशुपतनाथ भोले बाबा के मंदिर गए। वहां बैठ के हम सोचे कि आखिर हम कर का रहे। दुगो मासूम जने एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, और हम उनको परेशान कर रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको? अरे थोड़ा सा जमीन, तनी मनी पैसा। अरे ये सब का हमारी जिंदगी में कौनो कमी है का ससुरार? नहीं। और हम ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमको कौनो फर्क नहीं पड़ता कि कौन बारिश पैदा करता। तो फिर काहे हम अपनी नाकूची रखने के लिए सब तमाशा कर अपनी भाई की जिंदगी के पीछे पड़े? हमको तो लगता है कि खुदे भोले बाबा हमको होश में ला दिए, और तभी से हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए सोचे। क्या हुआ, परेशान काहे हो शेखर? तुमको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं लिए ना? तो ठीक है, हमको एगो मौका दो अपने आप को साबित करने का।